यमुनानगर के गांव छोटी पावनी में आज एक नाबालिग की शादी को लेकर जमकर हंगामा हुआ। दरअसल बाल विवाह संरक्षण अधिकारी एक बार तो शादी को रुकवा कर आ गई, लेकिन एक गलत सूचना पर जब दोबारा गांव में टीम पहुंची तो लोगों ने जमकर हंगामा किया। यमुनानगर के गांव पावनी में आज एक 17 साल की लड़की की शादी होने जा रही थी, लेकिन एक शिकायत ने ऐसा खलल डाला कि शादी को बीच में ही रोकना पड़ा और बारात बैरंग वापस लौट गई। लेकिन इस बीच जो हंगामा हुआ उसे लेकर ग्रामीण और परिजनों में काफी रोष था। दरअसल लड़की की शादी को एक बार बाल विवाह संरक्षण अधिकारी रुकवा कर आ गए तो फिर से किसी ने यह सूचना दी कि गांव में दोबारा लड़की के फेरे हो रहे हैं, और ऐसे में जब अधिकारी गांव पहुंची तो ग्रामीण गुस्से से आग बबूला हो उठे और उन्होंने अधिकारी को आते देख उसकी गाड़ी का ही बीच रास्ते में घेराव कर दिया और परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों का आरोप था कि उन्होंने जमीन को बेचकर लड़की की शादी रचाई थी और वह भी मजबूरी में, और ऐसे में एक बार अधिकारी के कहने पर जब बारात बैरंग लौट गई तो फिर से अधिकारी का ऐसे गांव में क्यों आना हुआ। तो वहीं अधिकारी ने यह कहकर अपनी जान छुड़वाई कि उसे गलत सूचना मिली थी और अब वह वापस जा रहे हैं। आपको बता दें कि लड़की एक रेप पीड़िता थी और ऐसे में गांव के लड़के पर ही आरोप लगे थे, लेकिन जब पुलिस में मामला दर्ज हो गया था तो गांव में मौजूद लोगों ने बीच बचाव करते हुए मामला दबा दिया और पुलिस से भी केस वापस ले लिया। ऐसे में लड़की के परिजनों ने किसी से बात कर उन्हें सारी बात बताने के बाद लड़की का रिश्ता कर दिया, और जैसे ही बारात गांव में आई तो आरोपी लड़के ने शिकायत देकर शादी रुकवा दी। वहीं परिजन यह भी आरोप लगा रहे हैं कि जब लड़की थाने में थी तब पुलिस वालों ने उसे बालिग बताया और अब जब उसकी शादी की जा रही है तो उसे नाबालिग बता रहे हैं। ऐसे में घर में लगा टेंट और खाने पीने का सारा सामान धरे का धरा रह गया। ऐसे में लड़की की माँ यह कहकर रो रही है कि उसने इस बार तो जमीन बेचकर लड़की की शादी रचाने की सोची थी, लेकिन इस बार वह इसे लेकर कहाँ जाएगी जबकि बारात उसकी चौखट से वापस लौट गई। मामला ये था कि हमारे पास सुबह आई थी इंटीमेशन कि यहाँ छोटी पावनी के अंदर एक 16 साल की लड़की की शादी हो रही है। हम मौके पे पहुंचे थे और हमने बारात वापस भेज दी थी, लेकिन शाम को फिर दोबारा से हमारे पास आया कि उन्होंने शादी कर दी है, तो उसकी इंक्वायरी के लिए हम यहाँ आए, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं पाया गया कि लड़की की शादी हुई है, उन्होंने लड़की की शादी नहीं की। क्या कोई कंप्लेंट आई थी दोबारा? हाँ जी, हमारे पास कंप्लेंट आई थी दोबारा, उसका नाम तो हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं जिसने कंप्लेंट किया। कंप्लेंट पे ही दोबारा वापस आए हैं, इंक्वायरी की है तो यहाँ पे लड़की की शादी नहीं हुई अभी। लड़की को कागजों में उम्र दिखाई जा रही है 18 साल है, जो आपको दिखाई है वो कितने साल की? हमारे पास जो जन्म प्रमाण पत्र इन्होंने दिया है उसमें लड़की 16 साल, उसके हिसाब से लड़की की उम्र 16 साल 10 महीने बन रही है, जो कि 18 साल से कम है, इसलिए हमने सुबह ही शादी रुकवा दी थी। मैं हूँ जी शेरपुर का जी। ठीक है जी, रात में आए थे यहाँ, पता लगा कि लड़की ऐसे ऐसे है, तो इन्होंने अपने डॉक्यूमेंट दिखाए, एसएचओ साहब के दिखाए, उसी के खिलाफ दिखाए लड़के के। कोई उसने बदतमीजी लड़की के साथ करी होगी, चलो फैसला तो सबका ही होता है कि नहीं जी? तो फैसले में जब ये दिखाए गए डॉक्यूमेंट, जब फैसला हो गया तो फिर इसके खिलाफ क्यों ऐसा किया उसने? अगर ये नाबालिग होंगी तो फिर वो अंदर होना चाहिए था, ठीक है कि नहीं जी? ये तो सब की, अगर ये नाबालिग लड़की होंगी, जब एसएचओ साहब ने 18 साल की लिख दी तो ऐसा क्यों है? अगर हम तो थाना छप्पर के कागज ही दिखा रहे हैं आपको, तो बरात हम तो इसी बेस पे लेके आए, हमको क्या पता नाबालिग है, हमारे को पता होता तो हम ऐसे थोड़ी आवे यहाँ पर। बरात वापसी लेके जब बोल दिया तो प्रशासन सारा साथ हो गया, या हमने नहीं पता पैसा चढ़ा रखा क्या रखा, तो ऐसा गलत है। जब जानबूझ के की क्या नहीं की, ये कागज इन्होंने हमारे को दिखाए, लड़की ने भी अपना हल्फी अभियान दे रखा, उसमें सब कुछ लिखे है कि मैं बालिक हूँ, मैं 18 साल की हूँ, मैं अपनी मर्जी से शादी करा दी। जो खास दिया उनके साथ ना, हमारे बच्चे के साथ मतलब कोई संभव हो गया था, ठीक है, वो हमारे घर आने जाने लग गए थे जी, फिर उसके बाद हम उनके घर गए थे तो हमारे बच्चे के साथ 6-4 खंड किया था, ठीक है, उनके बाद उसे पर्चा दर्ज होगा तो जेल में रहा 22 दिन, फिर उसने 22 दिन बाद ना यो पर्चा दर्द हुई थी जी, इन 18 साल का कर उसने जमानत करवाया मेरे पास से, उन्हें फैसला मानना था जी। तो अब इस वजह से बताओ, जब इसमें 18 साल लिखे है तो जब क्या हो गया बताओ, 17 साल की कर हो गया बताओ, फिर उसने सजावट होनी चाहिए जी सारे उम्र के लिए। देखो सीधे बात कह रही मैं, अपना लड़की हमारे पास ही है जी, घर पे है। आज उनकी शादी थी, हमने उनकी शादी कर दी, मैं चलो हमारे पास 5-6 बच्चे हैं,
ठीक है, हमको तो आस्ते आस्ते उठाएंगे, जब सारे बच्चे उठेगा हमारे पास से, जब हम गरीब आदमी है बताओ जी, हम कहाँ मारेंगे, किसके पास जाएंगे हम धक्के खाने के लिए। शादी का पूरा बंदोबस्त किया था खाने के, हम जी सारे को जमीन बेच कर किया मैंने, मैंने अभी भी ना 80,000 1,80,000 का जमीन बेचा है मैंने।